कॉर्नर में गमले हटाएंगे तो गमले के पीछे बाल मिल रहे हैं, मैट उठाएंगे मैट के नीचे बाल है, मैट के ऊपर बाल है, अगर हम रूम की बात करें सोफा पे बाल है, टेबल पे बाल है, फैन ऑन कर रहे हैं तो सब जगह, ऑफ कोर्स गर्मियां हैं, सब जगह बाल ही बाल है। वो कंडीशन डॉग की होती है, बहुत सारे लोगों के डॉग की वो कंडीशन होती है, और टेक माई वर्ड्स, अगर आपके डॉग की भी सेम कंडीशन है ना, अगर आपके डॉग की भी सेम कंडीशन है ना, तो आप अपने डॉग के लिए एक घंटा अगर आप निकाल लेंगे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय उसी दिन से होने शुरू हो जाएगी। एक दिन में अपने डॉग के बाल झड़ने को सॉर्ट आउट कर, उसका ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ता है, उसकी ड्राइनेस खत्म होना शुरू हो जाएगी, उसकी डेंड्रफ खत्म होना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि अगर उसे डॉग की बॉडी से बैड स्मेल आती है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में स्कॉच है। स्कॉच आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे डॉग होते भैया के पास, एक मेरी विस्की भी है, लेकिन ये जो स्कॉच है ये हिमालयन शीप डॉग, बहुत सुंदर सा बच्चा है, ऑरेंज कलर था बेसिकली इसका, लेकिन ये सारा फेडेड होके क्रीमिश पे पहुंच गया। रीज़न ये है, बहुत बुरे वाले बाल झड़ रहे हैं। कंडीशन क्या है ये देखिए ये इसके बाल झड़ रहे हैं, ये बाल, और ये आपके डॉग की भी कंडीशन है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके डॉग्स की सेम यही कंडीशन है। ये देखिए, ये पैचेज में बाल जा रहे हैं, मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि ये क्यों जा रहे हैं पैचेज में बाल और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपने डॉग की कंडीशन अच्छी करना चाहते हैं जैसी मेरे पर्सनल पेट्स की है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आज मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो बाल जा रहे हैं ना, हम सोचते हैं बालों के गुच्छे गिर रहे हैं, बहुत बुरे वाले बंचेस गिर रहे हैं, और क्यों गिर रहे हैं, हमने उन्हें कंघी नहीं करी, हमने डॉग को कंघी नहीं करी। ही कांट ग्रूम हिमसेल्फ, वो खुद को कंघी नहीं कर सकता, खुद को नहला नहीं सकता। अब ये जो जिनके पास में है वो जेन्युइनली पेट लवर है, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है, उनके घर में इस समय कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, घर को रेनोवेट कर रहे हैं, और रेनोवेट करने की वजह से क्या है, सारा दिन काम और काम के चक्कर में ये जो बच्चा है, ये बेचारा जो है ना, थोड़ा सा इग्नोर हो जा रहा है। इग्नोरेंस की वजह से ना तो कॉम्बिंग डेली हो रही है, और ना इसे प्रॉपरली डाइट वगैरह का भी कुछ प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जा रहा। और इधर आओ मेरा बेटा। अब ये देखिए, ये जो पैचेस है, ये देखिए, देखो गुड बॉय, ये देखिए, ये पैचेस, ये जो चीज़ें ये मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लिफाफा भर जाएगा ऐसे ऐसे करने से, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये जो निकल रहे हैं ना, ऑफकोर्स ये रूट से टूट चुके हैं, ये इसलिए निकल रहे हैं, देखिए कितने सारे बाल हैं। अगर आपका डॉग भी इस कंडीशन में है तो आपको क्या करना है, आपको एक लिफाफा लेना है, सो दैट जो बाल हैं लेफ्ट राइट नहीं उड़े, जैसे ये वाले बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, मुझे दोबारा इकट्ठे करने पड़ेंगे बाद में। और एक स्लीकर हेयर ब्रश ले लीजिए, उसे अच्छा फील करवाइए। गुड बेटा, फ्रंट को करते हैं। ये देखिए, ये सारे बाल जो है ना, इसी के बाल जा रहे हैं। टेक माई वर्ड्स, अगर आपके डॉग की भी सेम कंडीशन है ना, अगर आपके डॉग की भी सेम कंडीशन है ना, तो आप अपने डॉग के लिए एक घंटा अगर आप निकाल लेंगे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय उसी दिन से होने शुरू हो जाएगी। एक दिन में अपने डॉग के बाल झड़ने को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो इसके साथ में थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। एक घंटा अपने बाल डॉग को पास बिठाइए, ब्रशिंग कीजिए, इतने सारे बाल चले गए। इसी डॉग के साथ में हम और कॉम्बिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा ग्रूम करके बताता हूँ कि मैं आई टेक चैलेंज फॉर 5 मिनट्स, मैं इसे 5 मिनट में कितना ग्रूम कर सकता हूँ करके, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट करने के बाद कितना असर हुआ। हेल्दी डाइट,
ओमेगा 369 का कॉम्बिनेशन, ग्रूमिंग, ब्रशिंग प्रॉपरली, बाथिंग प्रॉपरली और नीट एंड क्लीन जगह पे रखना। और सबसे पहले ये सोचना कि ये बेजुबान बच्चा है, खुद अपने लिए नहीं कर सकता। अगर हम पेरेंट हैं, हम ऑनर हैं, तो हमें उसके लिए करना है। वीडियो स्कॉच की कंडीशन है, मैं आपको बता रहा था, वो कंडीशन है जब हम घर में डॉग रखते हैं, डॉग हमारे अंदर रहता है या हमने उसे अपने फोर वॉल में रखा होता है। जिस जिस कॉर्नर में गमले हटाएंगे तो गमले के पीछे बाल मिल रहे हैं, मैट उठाएंगे मैट के नीचे बाल हैं, मैट के ऊपर बाल हैं। अगर हम रूम की बात करें, सोफा पे बाल है, टेबल पे बाल है, फैन ऑन कर रहे हैं तो सब जगह, ऑफकोर्स गर्मियां हैं, सब जगह बाल ही बाल हैं। वो कंडीशन डॉग की होती है, बहुत सारे लोगों के डॉग की वो कंडीशन होती है, और वो सिर्फ उन्हीं दोस्तों के डॉग की कंडीशन होती है जो लोग उसे टाइम पे नहलाते नहीं है, उसे डेली ब्रशिंग नहीं करते, बैलेंस फूड नहीं देते। ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ। ये जो स्कॉच है बहुत ही सुंदर डॉग है, हिमालयन शीप डॉग है। ज़्यादातर ये जो डॉग ब्रीड है ये बड़ी अग्रेसिव होती है। और एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ, ये एक्सेलेंट वॉच डॉग होते हैं, इंडियन ब्रीड है, बहुत मज़ेदार, अपर हिमालय की ये ब्रीड है। और डेफिनेटली इनके जो बाल हैं वो बड़े हैं, वो बाल बड़े सर्दियों में होते हैं, गर्मियों में इनके जो बाल हैं वो छोटे हो जाते हैं, मीन्स कोट शेड कर जाता है। लेकिन अगर इसे प्रॉपर ब्रशिंग वगैरह की होती तो ये फैब एंड या मार्च के मिड तक इसका पूरे का पूरा कोट निकल जाता है, सिर्फ हेड और फेस पे बाल रह जाते और बाकी बॉडी के बाल निकल जाते हैं, टेल के बाल बिल्कुल थोड़े रह जाते। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी, जैसे अभी गुच्छे बने हुए हैं, गांठे बनी हुई हैं, जब गांठे बन जाती हैं, नॉट्स बन जाती हैं, तो हमें मजबूरी में उन वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टैंगल्स हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। चाहे आप कैंची से कर सकते हैं, आप चाहे ट्रिमिंग मशीन से कर सकते हैं, खुद ग्रूमिंग करें, चाहे किसी प्रोफेशनल से करवाएं, लेकिन वो मजबूरी वाली बात हो जाती है। डॉग कितना अनकंफर्टेबल फील करेगा इन सब कंडीशंस में, डॉग का ऑनर कितना अनकंफर्टेबल फील करेगा। और अगेन, हम उसके लिए किसी को कल्पित नहीं ठहरा सकते। लोग मेरे पास में आते, बोलते भैया आपके डॉग के बाल इतने अच्छे शानदार हैं, शाइन कर रहे हैं, सॉफ्ट हैं, सिल्की हैं, क्यों? अगेन, हम उन्हें बच्चों की तरह रख रहे हैं, हम उन्हें टाइम दे रहे हैं, हम उनके साथ में ब्रशिंग करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो मैं स्लीकर हेयर ब्रश दिखा रहा हूँ ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जो ग्रूमिंग ग्लव मैं बार बार बताता हूँ वो भी मिलता है। किस लिए मैं बताता हूँ, आपके पास में होना चाहिए। किसी के पास से हम किसी से क्या एक्सपेक्टेशन करें, हमारे पास खुद होना चाहिए। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, शैम्पू चाहिए, उसका हेयर ब्रश चाहिए और उसके लिए ग्रूमिंग ग्लव चाहिए, तो ये चीज़ें हर किसी पेट ऑनर के पास होनी चाहिए। अगर है तो आपके डॉग के बाल नहीं झड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर टाइम नहीं है तो डॉग रखने का हक नहीं है। कोई ब्रेवरी नहीं है, हमारे पड़ोसियों ने रखा है, हमारे कजन्स ने रखा है, या हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हमने डॉग रखा हुआ है। नहीं, ऑफकोर्स नॉट, दे आर नॉट पपेट्स कि जिसमें लाइफ ना हो। ये लिविंग बींग है, इनको अच्छा भी फील होता है, बुरा भी फील होता है, और इनका जो बिहेवियर बनाना हम पे बहुत डिपेंड करता है। और ये बहुत अच्छा सा बच्चा है, इसकी जो मैंने 5 मिनट चैलेंज लिया था, 5 मिनट से भी कम ही मैंने किया। अब ये देखिए, पूरा लिफाफा भर दिया मैंने बालों से, ये इसी के बाल हैं, ये देखिए कितने सारे बाल झड़े हैं। लेकिन अगर जेन्युइनली बता रहा हूँ, 1 घंटा हम इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे, अगर आपका डॉग इस कंडीशन में है ना, उसे लेके लॉन में बैठ जाइए या कार पार्किंग एरिया में बैठ जाइए या छत पे बैठ जाइए, मतलब रूम से बाहर बैठना, आपने अपने पास बिठाना है, लिफाफा रखना है, ग्रूमिंग ग्लव लीजिए, उससे मसाज करना शुरू कीजिए, वो कंफर्टेबल फील करना शुरू होगा। मसाज करने से क्या होगा, मसाज करने से डॉग को जब हम ग्रूमिंग ग्लव से मसाज करते हैं तो उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ता है, उसकी ड्राइनेस खत्म होना शुरू हो जाएगी, उसकी डेंड्रफ खत्म होना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि अगर उससे डॉग की बॉडी से बैड स्मेल आती है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, बाल टूटना बंद हो जाएंगे। रीज़न, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप भी खुश होंगे और आपका डॉग भी खुश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक टिप्स हैं, मैं बार बार देता हूँ ये बेसिक टिप्स, किस लिए कि दुनिया में कोई भी फर बेबी जिसके ऑनर मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनका फर बेबी इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए जिस कंडीशन में ये है। और ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये रिवाइव नहीं कर सकता, ये बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएगा। टिप्स दे रहा हूँ इसके ऑनर को, अपना धर्म निभा रहा हूँ, बाकी इसके जो ऑनर है वो देखेंगे उन्होंने क्या बेस्ट करना है। आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया का मतलब ये नहीं कि कंघी कैसे करनी है और ग्रूम कैसे करना है, समझ में ये आया होगा कि अगर हमने डॉग रखा है तो उसको टाइम देना है, समझ में ये आया होगा कि डॉग के लिए ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, समझ में ये आया होगा कि उसके लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। इनके बिहाफ पे बात करने वाला कोई नहीं है, साई ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है और मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये जो वीडियो बनाया पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। साई दया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस स्कॉच पे, पाब्लो पे, हिटलर पे, इसकी फैमिली पे,
और सारी दुनिया पे, सभी फॉर बेबीज पे। लव यू ऑल, थैंक यू। Your friends.